कोरोना महामारी के मध्य अब हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों को अन्य राज्यों के लिए चलाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में जींद से राजस्थान और पंजाब के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि 6.5 महीने बाद इन सेवाओं को बहाल किया गया है। बस स्टैंड पर कार्यरत सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर कोरोना के चलते बस सेवा ठप पड़ी थी, लेकिन अब आदेशों के बाद सेवाओं को अन्य राज्यों के लिए बहाल किया गया है। वहीं उन्होंने बसों की रवानगी को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। लॉकडाउन के बाद अधिकारियों के आदेश के अनुसार आज 2 बस राजस्थान और 2 पंजाब में जाएंगे। 6.5 महीने लगभग उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा था। 11-20 जयपुर, 11-10 गंगानगर, 2-10 लुधियाना, 6 बजे सुबह पटियाला जींद बस स्टैंड से चलने समय ये जाएंगी। इनका टाइम नहीं हुआ है, एक ही बस गई है सुबह 6 बजे वाली। पंजाब से बसें कल से आना शुरू हो रही है, सत्ती बहादुर। दूसरी ओर पंजाब रोडवेज बस के कंडक्टर ने बताया कि पंजाब से हरियाणा और दिल्ली के लिए सेवा बहाल हो गई है। ये सेवाएं करीब 7 महीने बाद शुरू की गई हैं। कि टोटल कल तो 5-6 टाइम आए थे, धीरे धीरे आज सभी टाइम आने शुरू हो जाएंगे। हमारी कल गाड़ी गई थी, 5-6 टाइम गए थे, और आज भी सुबह 7:35 और 8:35 दिल्ली गई है, 7:20 लुधियाना गई है। फिलहाल 6-7 महीने के बाद पहली बार गाड़ी आई है, कल आई थी, कुछ आ जा रही है। में हमारे टाइम है यहाँ पर 16-17 टाइम है अपना। क्या जी, हमारे जो भी आदेश, जो सरकार जो ने आदेश दिए थे, हमारे मुलाजमों ने मान के उनको, जैसे भी गाड़ी हरियाणा टू दिल्ली और पंजाब चल रही है हमारी। गौरतलब है कि एक दूसरे राज्यों में बस चलने से लोगों को आसानी होगी और बिना परेशानी के अब वो अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।